आज फिर एक पॉजिटिव मऊ में आया है, तो उसको मिला करके मऊ शहर में विशेषकर अब तक 65 व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं। इस संख्या को देखते हुए आज हम लोगों ने इस पर मंथन किया और विचार किया कि यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स आज को पहनने के लिए जो जागरूकता आनी चाहिए थी आम नागरिक में, उसका अभाव पाया गया। कुछ जगह कंटेनमेंट एरिया बनाए गए, वहाँ पे बांस बल्ली खोल करके मोटरसाइकिल लेके निकलना, गाड़ी लेके निकलना, कदाचित इन सभी के कारण जो अभी अज्ञानता यहाँ के निवासियों में दिखाई, जिसके कारण इतनी भारी संख्या आई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए 15 दिन के लिए एक लॉकडाउन नगर पालिका क्षेत्र के लिए आजमगढ़ तिराहे से आपका इधर बीटी वाला एरिया शामिल करते हुए ढिकुलिया घाट तक, फिर ये फाटक के अंदर का समस्त एरिया लेते हुए मिर्जा हाजीपुरा के आगे, डोमनपुरा के आगे जहाँ तक कंटेनमेंट एरिया चल रहा है, उस समस्त एरिया पर एक लॉकडाउन लगाया जा रहा है 15 दिन के लिए, जिससे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि करके इस संक्रमण के विस्तारीकरण को हम लोग रोकने में सफल हों। मात्र 5 दुकानें दवा की अंदर क्षेत्र में खोलने की अनुमति दी जाएगी, तब मात्र 5 किराना की दुकानें ही अनुमन की जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो भी दुकानें पाई जाएंगी उनके विरुद्ध FIR दर्ज करके उनको एपिडेमिक एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। सब्जियों के वितरण के लिए, फल के वितरण के लिए व्यवस्था जैसे पूर्व में लॉकडाउन में ठेले के माध्यम से थी, वैसे ही संचालित की जाएगी। यह व्यवस्था कल प्रातः से लागू हो जाएगी और जो दुकानें किराना आदि खोलने की अनुमति दी जाएगी वह भी मात्र 10 बजे से लेकर 4 बजे तक।